हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटर जॉन पे और मैं हूँ आपका साथी संजीव स्वामी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं वैसे बताने वाला हूँ कि मैं कल जो है 800 किलोमीटर की ट्रिप करके आया हूँ दो दिन के अंदर, अप डाउन गुड़गांव से खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी से सालासर बालाजी और सालासर बालाजी से वापस गुड़गांव, और तो ऐसा करके टोटल 800 किलोमीटर की जो है हमारी ट्रिप हुई है। इस ट्रिप के अंदर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या ये पेट्रोल डीजल से रियल में ही सस्ती पड़ती है, तो इस सारी चीज़ों के बारे में जो है आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैंने जो है इस गाड़ी को यहाँ पे घर से फुल चार्ज करके लेके गया था। ठीक है, पहले हम चार्जिंग की बात कर लेते हैं सस्ती के बारे में। तो फुल चार्ज करने के बाद में ये जैसे ही हाईवे पर चढ़ती है गुड़गांव वाले, गुड़गांव से अपने सीकर वाले हाईवे पर खाटू श्याम जी जाते हुए हाईवे पर चढ़ती है, तो अब हाईवे पर जाने के बाद में इसने जो है मुझे रेंज निकाल के दी थी, वो दी थी 200 किलोमीटर के अंदर। इसे ये चली थी 75% के अंदर 200 किलोमीटर ये गाड़ी अपनी चली थी ऐसे ही बेटा। तो 200 किलोमीटर जो है अपनी चली थी 75% के अंदर। रीज़न ये था कि हाईवे था, मैंने इसको भगाया था 120 के आसपास मैंने इसको भगाया था। भागने में बहुत मस्त चलती है, एकदम टकाटक गाड़ी A1 चलती है, मज़ा आता चलाने में, रिलैक्स जो उनके साथ क्रूज करके चल लो चाहे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके जो है मैं इसको 120 के आसपास भगा के लेके गया था हाईवे पे। वास्तव में भागने में बहुत मस्त है, पावरफुल फील होती है, और उस हाईवे में भगाने के बाद में ये जो है 200 किलोमीटर चलने के बाद में अपनी जो गाड़ी ने दम तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। मतलब ये 75% से 25% जो है इसकी बैटरी आ गई थी। अभी तो टोटल चल चुकी है ये 2000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, देखोगे ना आप, तो 2000 किलोमीटर के आसपास जो है गाड़ी चल चुकी है। अभी गाड़ी की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब सी है, देख रहे हो आप, इसको अभी आज सर्विस पे लेके जाऊंगा। 2000 किलोमीटर चलने के बाद में थोड़ा लेट हो गया सर्विस के लिए, अब इसको जो है सर्विस पे लेके जाएंगे। तो इसको देख रहे हो आप, इसको जो है मैंने पहला जो चार्ज करने के बाद में 200 किलोमीटर पे गया, वहाँ पे चार्ज की, जो हाईवे है अपना शाहपुरा के अंदर है उसके ऊपर मैंने चार्जर का पता नहीं एक्स वोल्ट का चार्जर था शायद, नहीं ईवी स्मार्ट चार्जर से मैंने इसको चार्ज की थी, ईवी स्मार्ट चार्जर से जो है मैंने इसको चार्ज की थी, और मेरे को जो है वहाँ पे कॉस्ट पड़ी थी 25% करने के अंदर जो मेरी इसकी कॉस्ट आई थी वो लगभग 900 रुपये के आसपास आई थी, 851 रुपये कुछ पैसा आए थे, 27 रुपये पर यूनिट चार्ज दे रहे थे। तो इसी हिसाब से कहाँ से सस्ती होगी, कोई तो बोलता है कि फ्री है चार्जिंग ये वो, बट चलो कोई ना, 8 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये ठीक है, 27 रुपये यार चार्जिंग यूनिट ले रहे हैं तो वो बहुत वो रहता है, ठीक है ना यार, इतनी कॉस्टली चार्जिंग। तो ऐसे करके मैंने वहाँ से चार्ज करके, वहाँ से चार्ज करने के बाद में मैं गया था रिंगस, और रिंगस से फिर मैं गया था सालासर बालाजी, तो वहाँ पे भी बैटरी जो है लगभग फिर अगेन जो है 200 किलोमीटर ही चल पाई थी, फिर वहाँ पे जो है डाउन हो गई। रीज़न थोड़ा सा भगा के लेके गए थे तो फिर डाउन हो गई। फिर डाउन होने के बाद में हमने क्या किया, इसको सालासर के अंदर, अब वहाँ पे मैंने कई बार जो धर्मशाला या होटल रेस्टोरेंट है उनसे पूछा कि भाई चार्जिंग लगा लें स्लो चार्जर से, क्योंकि वहाँ पे कोई फास्ट चार्जर है नहीं, ज़रूरत है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। अगर कोई वीडियो देख रहा है टाटा वाला या कोई, तो वहाँ पे चार्जिंग की बहुत ज़रूरत है सालासर के अंदर, एटलीस्ट एक चार्जर होना चाहिए वहाँ पे, बहुत लोग दूर दूर से आते हैं। ईवी देखिए, मैंने काफ़ी ईवी जो है वहाँ पे ले रखी है, बट कोई भी है चार्जिंग के लिए अप्रूव नहीं करा किसी के, ओके तो कोई भी है वहाँ पे चार्जिंग के लगाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है कि, ठीक है क्या, हाँ डिगी खोल दी गई। तो वहाँ पे जो है सालासर के अंदर कोई चार्जर वगैरह अलाउ नहीं कर रहा कि किसी के पास पावर प्लग नहीं है, कोई बोलता है कि यहाँ पे पावर सही नहीं है, कोई बोलता है यहाँ पे लोड ज़्यादा होता है तो पावर कट जाएगी, तो हमने नहीं लगाने देगी। मैंने 5-7 जगह ट्राई किया, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, 20-22% रह गई थी, फिर मैंने लिया रिस्क, वहाँ से 70 किलोमीटर दूर सीकर है, सुबह उठ के वहाँ पे आया, वहाँ पे मैंने इसको फुल चार्ज किया, तब तक जो है ये बैटरी हो गई थी 8% के आसपास जो है ये बैटरी रह गई थी, वो भी एक्सपीरियंस रहा, वीडियो जाके देख सकते हो, 23% से 8% तक, तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि 23% से 8% पे हमें कॉन्फिडेंस मिल गया कि कितनी चलती है। तो वहाँ से मैंने चार्ज की, वहाँ पे उन्होंने लिए 8% से लेके 100% होने के 700-800 रुपये लिए। देखो उस चार्जर में जो पहले चार्ज किया उसमें इतना डिफरेंस है, वो 25 से 100% हुआ, ये 700 से 100% हुआ, और कॉस्ट लगभग दोनों की सेम, इवन दूसरे वाले की कम ही पड़ी। तो ऐसे करके फिर वहाँ से हम लगाया मैंने इको मोड, क्योंकि अभी भी मुझे चलना था 200
80-90 किलोमीटर, और मैंने वहाँ से लगाया इको मोड फुल एसी। एसी सारी जगह चलती है, एसी पूरी जगह रनिंग में थी, एसी चलती ही रही। तो मैं वहाँ से लगाया इको मोड, इको मोड लगाने के बाद में मैंने इसको क्रूज़ किया 80 के ऊपर, क्योंकि जाते हुए मैंने गलती कर दी थी, इसको 100-120 पे भगाया, वही हाईवे सेम, मैंने इसको 80 के ऊपर क्रूज़ किया। क्रूज़ करने के बाद में इसने मुझे रेंज वही 280-290 की रेंज या 300 की रेंज आलमोस्ट निकाल के दे दी। 300 की रेंज आई 80 की क्रूजिंग पे, 280-300 इको मोड 80 की स्पीड में रखेंगे हम तब इसके अंदर। तो इसको जो अगर हम 80 की स्पीड पे रखेंगे, 80-70 की स्पीड पे रखेंगे, इको मोड पे रखेंगे फुल एसी के साथ में, तब जाके ये हमें 300 की रेंज जो है निकाल के देगी। तो वहाँ पे उसने मुझे 300 की रेंज निकाल के दी। फिर भी मैंने बीच में जो है जब 25% हुआ तो मैंने एक बार और फिर भिवाड़ी के अंदर इसको चार्ज किया 40%, और फिर मैं घर आया तो वहाँ पे 40% चार्ज करने के फिर मेरे 200 रुपये लग गए थे। तो ऐसे करके 900, 800, 900 और 200, तो 1,000 का मेरे का चार्जिंग का कॉस्ट लगा सिर्फ और सिर्फ 800 किलोमीटर के अंदर। आप देख लो 1900 रुपये 800 किलोमीटर के अंदर चार्जिंग कॉस्ट अगर लगती है तो क्या ये पेट्रोल और से जस्टिफाइड है? प्लस 400 रुपये जो घर पे आके चार्ज किया था, घर से जल्ले पे चार्ज किया था, वो भी तो चला था 200 किलोमीटर, तो 2,000 रुपये 2,300 रुपये हो गए ना। 2,300 रुपये के अंदर 8 या 24 3 रुपये किलोमीटर की आपकी जो है इसी की एवरेज है। प्लस नुकसान एक और, जब भी आप गाड़ी वगैरह जैसे जाओगे तो आपका खर्चा एक्स्ट्रा होएगा। जैसे मान लो किसी होटल पे रुके और रुके तो वो ऐसे होता है नहीं, नॉर्मल जगह पे आप चार्जिंग कर लोगे, आपको चार्जिंग करने के लिए किसी न कहीं होटल हाईवे किंग आसपास कोई ढाबा भी नहीं होता, तो वहाँ पे भी वो फालतू का खर्चा ज़बरदस्ती होता है। इससे बेटर अगर पेट्रोल डीजल होती या फिर बस होती तो आप आराम से कहीं पर भी रुक लेते, इस हिसाब से टेंशन होती, तो इस हिसाब से ये कहीं पे भी आपको जो है सस्ती नहीं पड़ती। बाकी चलाने में A1 थी, कोई दिक्कत नहीं था, मैंने क्रूज़ करके चलाया, बहुत बढ़िया मज़े आए। इको मोड पे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल फील होती है, कोई दिक्कत नहीं है, और ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह में कहीं दिक्कत नहीं है। एक जगह नीचे टच भी हो गई थी ग्राउंड क्लियरेंस के चक्कर में, ठीक है ना। तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है जो 290 के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, 190, तो उसमें ये टच भी हो गई थी। बाकी वायरलेस चार्जिंग इसका काम नहीं करता है सही से, ये तो चेक कर ली। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये कहानी हो रखी है, ये पता नहीं क्या है, मेरे तो कल ध्यान में आया था, देख रहे हो ना। तो अभी ये टाटा वालों के पास जाएंगे, वहाँ से दिखाएंगे। तो ऐसे करके था एक्सपीरियंस। आई TPMS इसकी हवा फुल थी, फिर भी ये TPMS ऑलवेज दिखाते ही रहता है। तो ये था पूरा एक्सपीरियंस, आपको मैंने बता दिया कितनी कॉस्ट आई, और चलाने में बहुत बढ़िया थी, आने जाने में कोई पता भी नहीं चला। AC एकदम चिल्ड करता है, बस AC की आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है ये, ठीक है। और ऐसे मुझे कोई कमी नहीं लगी, स्टेयरिंग वाइज हैंडलिंग वाइज बहुत बढ़िया है, आप अपने कंट्रोल में जो है गाड़ी पूरी की पूरी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रूजिंग बहुत बढ़िया तरीके से होती है, आपको विजिबिलिटी वाइज सब ओके आपको जो है देखने को मिल जाता है। तो ये था पूरा वीडियो जिसके अंदर मैंने मोस्टली कॉस्ट कवर की है, स्पेस थोड़ा सा स्पेस मतलब कोई बोतलें वगैरह रखने के लिए स्पेस की बहुत कमी रहती है, क्योंकि मैंने इसको पूरा पूरा बेड बना लिया था यहाँ पे, इन सीटों को फोल्ड करके और गद्दा बना दिया था मैंने पूरा। तो ऐसे करके अपना स्पेस का थोड़ा सा दिक्कत रहता है, बोतल वगैरह रखने के लिए और नहीं होती है। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया एक ट्रिप का, जिसके अंदर खाटू श्याम जी सालासर बालाजी गुड़गांव से देन अगेन बैक, और लगभग 2,425 रुपये की अपनी कॉस्ट आई है, उसको थोड़ा सा सोच समझ के चलाना पड़ता है इस चीज़ को। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, और इसका डिटेल में वीडियो आ जाएगा, मैंने जैसे जैसे चलाया डिटेल में वीडियो आ जाएगा, और उसके हिसाब से जो है चीज़ें मिलती रहेगी आपको। तो देखते रहना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आज जो है ये गाड़ी सर्विस होने जाना है तो इसका सर्विस का एक्सपीरियंस भी हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।